हाँ हेलो स्टूडेंट्स, मैं ओम प्रकाश सान और मेरे पार्टनर मनोज जागीर सर, और आज अपन गुरु नीति डिस्कस करेंगे 23। तो इसमें क्या है सर? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या? फिजिकल केमिस्ट्री का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 45 ml 0.40 मोलरिटी वाले AlCl3 को मिक्स किया गया है, मिलाया गया है। किसमें? 15 ml ऑफ 0.20 MgCl2 सॉल्यूशन में मिलाया गया है, जिससे रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ है। और उसमें क्लोराइड आयनों के लिए आपसे मोलरिटी पूछ रहा है, मोलरता पूछ रहा है। अगर बात करें यहाँ पर मोलरिटी के लिए, तो आप यहाँ पर मिक्सिंग का फॉर्मूला लगा सकते हैं, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू दी N रिजल्टेंट इनटू टोटल वॉल्यूम V रिजल्टेंट हो जाएगा। अगर नॉर्मलिटी को मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर की टर्म में लिखना चाहें, तो मोलरिटी गिवन है आपको MgCl2 के लिए 0.20 m, और MgCl2 का वैलेंस फैक्टर 2 हो जाएगा। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है MgCl2 के लिए? 15 ml प्लस नॉर्मलिटी ऑफ AlCl3 सॉल्यूशन की बात करें तो मोलरिटी गिवन है आपको 0.4, वैलेंस फैक्टर 3 हो जाएगा AlCl3 के लिए, और यहां से वॉल्यूम गिवन है आपको 45 ml, व्हिच इज इक्वल टू दी रिजल्टेंट नॉर्मलिटी फाइंड करनी है अपने को इनिशियली। टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 45 प्लस 15 कर दें 60 ml हो जाएगा। यहां से रिजल्टेंट नॉर्मलिटी फाइंड करनी है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना मिल रहा है आप चेक कर सकते हैं, 6 के इक्वल आ रहा है, 6 आएगा, ये 6 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 54 आएगा, 54, और ये रिजल्टेंट नॉर्मलिटी, और इधर कितना ऑब्टेन हो रहा है? 60 ऑब्टेन हो रहा है। यहां से रिजल्टेंट नॉर्मलिटी की बात करें तो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये 60/60 दिख रहा है, और 60/60 का मैग्नीट्यूड 1 ऑब्टेन होगा। अब आपसे पूछ रहा है ओनली क्लोराइड के लिए, तो क्लोराइड का जो वैलेंस फैक्टर है 1 है। यहां पर मैं इसको अप्लाई करूंगा नॉर्मलिटी इक्वल टू द मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, वेयर मोलरिटी फाइंड करनी है, नॉर्मलिटी 1 आ रहा है। मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए वैलेंस फैक्टर क्लोराइड का कितना है? 1 है। यहां से मोलरिटी का मैग्नीट्यूड 1 ऑब्टेन होगा, यानी कि 1 मोल पर लीटर आपका आंसर होना चाहिए, चेक कर सकते हैं आप। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो बच्चों, बेसिकली क्या होता है, जो एल फैक्टर होता है वो ये जो भी सोल्ट है उस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज से आप उसका एल फैक्टर डिटरमाइन कर सकते हो। जी सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए प्योर गैस दैट इज 14.3% हाइड्रोजन एंड 85.7% कार्बन बाय मास हैज ए डेंसिटी ऑफ 2.5 ग्राम पर लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम प्रेशर, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द गैस? तो देखो, एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन है और सेकंड एलिमेंट क्या है? कार्बन है। तो हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 14.3%, और कार्बन कितना है? 85.7%। फिर आप जब इसको कैलकुलेट करते हो तो एलिमेंट का एटॉमिक मास इसका 1 ग्राम लेते हो, उसका कितना है? 12 ग्राम। एम्पिरिकल फार्मूला के रिस्पेक्ट में आप बात करें, एम्पिरिकल फार्मूला के रिस्पेक्ट में बात करें, फिर अपन परसेंटेज, सबसे पहले आप उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करें ताकि एम्पिरिकल फार्मूला के लिए आपको यहां पे एक फार्मूला डिराइव हो सके। मैं यहां पे थोड़ा आगे कर देता हूं। हां, एक ही बात, 14.3/1 इसको कितना हो जाएगा? 14.3, फिर यहां 85.3/12 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा? 7.1 के अराउंड आएगा। फिर जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसको सब में डिवाइड करोगे, 14.3 के अंदर आप 7.1 से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट ये कितना आएगा? 2, और ये कितना आएगा? 1 आएगा। तो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल टू हो जाएगा CH2, CH2 इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, याद आएगा। फिर आपने को क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना। तो सर उसका क्या रिलेशन होता है आप बताना? आप डायरेक्ट यहां पर आपको क्या गिवन है, डेंसिटी दे रखा है, क्या डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस है, यहां पर टेंपरेचर गिवन है, जिसको केल्विन में अपन यूज कर सकते हैं, 273 केल्विन हो जाएगा। डेंसिटी दे रखी है 2.5 ग्राम पर लीटर डेंसिटी गिवन है, तो d इक्वल टू आपको पता रिलेशन, ठीक है, Pm / Rt, बिल्कुल डायरेक्ट यहां से आप का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। डेंसिटी कितनी है? 2.5, बिल्कुल अप्लाई करते हैं। प्रेशर कितना? 1 atm। m आपको कैलकुलेट करना है, r की वैल्यू आप कितनी, 0.02 लेंगे आप, इनटू टेंपरेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन यूज कर ले। यहां से आप मॉलिक्यूलर मास जब कैलकुलेट करो तो ये 56 आएगा, ठीक है। तो सर आप बताना इसमें क्या रिलेशन, n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब हम n की वैल्यू देखना है तो डायरेक्ट आप मॉलिक्यूलर वेट को रिलेट कर दें एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास आप CH2 का एम्पिरिकल फार्मूला मास देखेंगे तो क्या आएगा? 14 आया, तो 14 इनटू n फैक्टर, ये निकालना आपने को मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। तो 56 इज इक्वल टू दी 14 इनटू n, और n का वैल्यू फाइंड करना है यहां से, तो n इज इक्वल टू दी 56/14 हो जाएगा,
जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4k बोला रही है, तो n वैल्यू 4 आ रहा है, इसका मतलब फार्मूला क्या होना चाहिए यहां से, कार्बन का जो नंबर है वो आप CH2 को मल्टीप्लाई कर दो, CH2 आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला होगा, उसको n से मल्टीप्लाई करोगे तो n की वैल्यू आ गई 4, तो आपके पास फार्मूला है C4H8 आएगा, इट मींस आप इसको एल्केन भी बोल सकते हो, कई बार क्वेश्चन में आता है एल्केन एल्कीन और एल्काइल, बिल्कुल ये क्या है एल्केन है, तो थर्ड आंसर शुड बी करेक्ट होगा, थर्ड ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखो, द वेट ऑफ 350 ml ऑफ ए डायटॉमिक गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज 1 ग्राम, द वेट ऑफ वन एटम पूछ रहा है, अब वेट ऑफ वन एटम के लिए बेटा क्या करेंगे, आप चेक करें यहां पर आपको टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और गैस कैसी है डायटॉमिक है यानी कि 2 एटम्स होंगे, मास दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, ध्यान दें मैं यहां पर p और वॉल्यूम गिवन है तो pv इज इक्वल टू n यानी मोल्स को कन्वर्ट कर सकता हूं मैं w अपॉन mw में, और r और मल्टीप्लाई करूंगा टेम्परेचर से, प्रेशर का मैग्नीट्यूड गिवन है आपको यहां पर, प्रेशर कितना गिवन है आपको 2 atm, वॉल्यूम गिवन है आपको 350 ml, और ml को लीटर्स में कन्वर्ट कर लूंगा मैं, 1000 से डिवाइड कर दूंगा, गिवन मास कितना है 1, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लूंगा, r का मैग्नीट्यूड कितना लूंगा 0.082 मान लूंगा, और टेम्परेचर की बात करूं तो कितना गिवन है आपको 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन आप यूज कर लो, यहां से मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू फाइंड होगी अपने को, ये आएगी 32 के अराउंड, जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये 32 के अराउंड आएगी, आपके पास 32 ग्राम आ गया उस डायटॉमिक गैस का, कितना मास ग्राम पर मोल, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट आ चुका है, तो ये गैस होगी आपके पास ऑक्सीजन गैस, क्यों सर राइट, बिल्कुल सही है, तो इट मींस ये एक मोल का मास है आपके पास, एक मोल O2 का मास है कितना 32 ग्राम, और एक मोल O2 में कितने होंगे NaO2 मॉलिक्यूल्स, क्या सही बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, NaO2 मॉलिक्यूल्स का मास मैं बोल सकता हूँ कितना आ गया 32 ग्राम, तो एक O2 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा 32 अपॉन Na, तो ये आ जाएगा 32 अपॉन Na। अब आता हूँ आपको पता है एक O2 के अंदर कितने एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं, तो वन एटम का मास कितना होगा, तो एटमिसिटी से डिवाइड कर देंगे, वन एटम मास हो जाएगा, एटमिसिटी से आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 16 अपॉन Na, Na रह जाएगा, ठीक है, इट मींस कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बात करते हैं, 5 मोल हाइड्रोजन गैस को मिक्स कर रहा है, 3 मोल्स व्हाइट फास्फोरस में मिक्स कर रहा है, साथ में 12 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस यूज किया गया है, और जो कंटेनर है वो बंद है, सील बंद प्लस लिखा हुआ है, तथा रिएक्शन को अकॉर्डिंग टू रिएक्शन बात करें अपन, H2 गैस प्लस P4 सॉलिड प्लस O2 गैस यहां पर फॉर्म कर रहा है H3SO4, ये जो इक्वेशन है ये कैसा अनबैलेंस दिया हुआ है, और अनबैलेंस इक्वेशन को पहले बैलेंस करेंगे अपन, देखो बच्चों मोल कांसेप्ट में जो भी केमिकल इक्वेशन है उसको सबसे पहले आप बैलेंस करें, चाहे आपको प्रोडक्ट के मोल निकालने हो चाहे लिमिटिंग रिएजेंट निकालने हो, तो आप जब भी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन करें तो आप रिएक्शन को पहले बैलेंस करें, तब जाके आपके पास स्टोइकोमेट्री आएगी और तब जाके आप प्रोडक्ट के मोल सर कंटिन्यू फाइंड कर सकते हैं। यहां बैलेंसिंग की बात करें तो हाइड्रोजन का 3 एटम्स है इधर, यहां फास्फोरस 4 है, इसका मतलब इधर कितना कर दूं मैं 4 कर दूं, जी सर ठीक है बिल्कुल सही, ये 4 हो चुका है हाइड्रोजन काम आप काउंट कर लो, 12 हो गया है, 12 हो चुका है, तो इधर 6 कर दें अपन, जी सर बिल्कुल हो चुका है, और O2 की बात कर ले आप 16 हो रहा है, तो क्या कर दें 8 कर दें क्या, बिल्कुल ऐड कर, बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है आपके पास, अब बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मोल पुट कर दो आप, तो स्टोइकोमेट्री से इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो लिमिटिंग रिएजेंट का केस है ये, और लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आप मोल चेक करें, हाइड्रोजन का कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में 5 मोल है, तो 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिख लूंगा मैं, और फास्फोरस का कितना गिवन है आपको, फास्फोरस के मोल है आपके पास, ये मोल्स है, और इनिशियली आपके पास O2 कितना गिवन है 12 मोल है, 12 मोल है ठीक है, अब इसको मैं अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री अगर डिसोसिएट करता हूं तो ये तो हो जाएगा कितना 5 - 6x हो चुका है, ये कितना हो जाएगा 3 - x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर 12 - 8x की इक्वल ऑप्टेन होगा आपको, अब यहां से मैं LR चेक करता हूं तो यहां से तो x की वैल्यू कितनी आ रही है सर 5/6 ऑप्टेन हो जाएगी आपको, यहां से x का वैल्यू 3 ऑप्टेन हो जाएगा, और यहां से x की बात करें तो 12/8 हो जाएगा, 8 की इक्वल होगा, जिसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 4 से कैंसिल कर दो तो 3/1.5 यानी कि 1.5 ऑप्टेन हो रहा है, ये आपको 1.5 ऑप्टेन होगा, ठीक है 1.5 ऑप्टेन हुआ है, तो आप बच्चों देख सकते हो इसमें x की वैल्यू 5/6 है, x की वैल्यू 3 है, और x की वैल्यू 1.5 है, तो सबसे कम वैल्यू कौन सी, वैल्यू लिस्ट वैल्यू क्या है, तो लिस्ट वैल्यू आएगी हाइड्रोजन की ओर है, लिस्ट वैल्यू 5/6 मिलेगा, मींस हाइड्रोजन यहां पे क्या लिमिटिंग रिएजेंट है, बिल्कुल
तो ये सबसे पहले ड्यूरिंग द रिएक्शन सबसे पहले कंज्यूम होगा, और जो प्रोडक्ट के मोल आपसे पूछे वो किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रीजन पे। यू सर राइट, सही बात है। और यहाँ प्रोडक्ट कितना ऑब्टेन हो रहा है, 4x के ऊपर ऑब्टेन हो रहा है। जी सर, प्रोडक्ट H3PO4 4x ऑब्टेन हुआ है, x की वैल्यू पुट कर दूं क्या? जी सर, 4 × 5/6 हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 20/6 आ रहा है। और 20/6 का मतलब क्या हो गया, क्या 3.3 दिख रहा है? 3.33। इट मींस आंसर क्या क्या होना चाहिए? थर्ड ऑप्शन इज थर्ड शुड बी आंसर, करेक्ट आंसर इज थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 लीटर ऑफ ए मिक्सर ऑफ CO एंड CO2 इज टेकन, दिस मिक्सर इज पास थ्रू ए ट्यूब कंटेनिंग रेड हॉट चारकोल, द वॉल्यूम नाउ बिकम 1.6 लीटर, द वॉल्यूम आर measured under the same condition, find the composition of the mixture by volume. Sir, बिल्कुल बिल्कुल सर, देखें सर, यहाँ पर CO2 गैस जो है, इस CO2 गैस को सॉलिड कार्बन पर यानी कि चारकोल पर पास किया गया सर। जैसे ही आप चारकोल से रिएक्ट करोगे तो यहाँ पर ये 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन कर लेगा सर। जी सर, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रहा है। अब इनिशियली आपको जो टोटल वॉल्यूम गिवन है कितना है, 1 लीटर है। 1 लीटर है। अब इस 1 लीटर में से आप एज्यूम कर लो किसको x मानना है और किसको 1-x मानना है। टोटल वॉल्यूम 1 है तो इसको मैं x मान लेता हूं सर। हां, CO को x मान ले, हो गया। ठीक है, तो CO का 1-x का x हो गया। बिल्कुल सर। जी सर, कंटिन्यू। नाउ ये x है और ये आपने 1-x माना हुआ है इनिशियल था, तो ये डिसोसिएट होगा तो इधर कितना चला जाएगा, 1-x ऑप्टन हो जाएगा। बट स्टोइकोमेट्री 2 है ना, तो कितना फॉर्म होना चाहिए, 2 × 1-x होना चाहिए। ये रिमेनिंग कितना हुआ, x के इक्वल ये रिमेनिंग हुआ। तो मैं टोटल वॉल्यूम की बात कर लूं आफ्टर t टाइम, तो x प्लस इधर रिमेनिंग कितना है, 2 × 1-x, और लास्ट में फाइनल वॉल्यूम कितना ऑब्टेन हुआ आपको, 1.6 लीटर है। तो आप 1.6 लीटर की यहां से x की जो वैल्यू ऑब्टेन होगी वो 0.4 लीटर ऑब्टेन होगी। और x किसको माना था आपने, x कार्बन मोनोऑक्साइड, x कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट मींस ये आपके पास कितना आएगा, 0.4 लीटर, और 1-x ये आपके पास CO2, तो 1.4, तो ये कितना हो गया, 0.6 लीटर हो गया। इट मींस आंसर शुड बी फर्स्ट, आंसर शुड बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 0.2 मोल सैंपल ऑफ हाइड्रोकार्बन CXHY यील्ड आफ्टर कंप्लीट कंबशन विद एक्सेस O2 एट 0.8 मोल ऑफ CO2 एंड 1 मोल ऑफ H2, हेंस हाइड्रोकार्बन इज। तो इसको देखो कंबशन करते हैं इस रिएक्शन को, CXHY कंबशन हमेशा O2 की प्रेजेंस में होता है, प्रोडक्ट कार्बन किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में, और जो हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट होगा, H2O के अंदर। अब रिएक्शन को बैलेंस कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x, और यहाँ पे आ जाएगा y/2। अब आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो आप सब बैलेंस कर रहे हो, x + y/4 अप्लाई कर दे। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसके 1 मोल का कंबशन करोगे तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन आपको इसका कितना मोल मिलेगा, x मोल मिलेगा, और ऑक्सीजन का कितना रिक्वायर्ड होगा, x + y/4 मोल। क्यों सर? बिल्कुल सर। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसके 0.2 मोल ले लो, इसके 1 मोल से इसका कितना हो रहा है, x + y/4 हो रहा है। तो अब इसको इतना लंबा ना खींचते हो, अपन शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सर, आप बताइए, यहाँ पर x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, क्योंकि इसका x कार्बन है यहाँ पे, और यहाँ पर CO2 में भी कितना कार्बन है, x कार्बन है। तो मैं क्या करूंगा, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो CO2 का मोल ऑब्टेन हुआ है 0.8, उसको मैं इस हाइड्रोकार्बन के मोल 0.2 से डिवाइड कर दूं डायरेक्ट, तो यहां से मुझे x का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा 4। जी सर, x का वैल्यू 4 आ चुका है। इसके बाद में वाटर मॉलिक्यूल कितना, y/2, तो 1 मोल दिया हुआ है उधर, 1 मोल ऑफ वाटर है, तो y/2 का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 मोल अपॉन इस हाइड्रोकार्बन का जो मोल है वो कितना है, 0.2 है क्या? जी सर, तो यहां से ये कितना ऑब्टेन हुआ आपको, 5। इट मींस y/2 का वैल्यू 5 आ रहा है सर, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बिल्कुल सर, तो कार्बन की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और y की वैल्यू क्या इतनी आ गई, 10। इट मींस कार्बन C4H10, इट मींस आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हां सर, ए गैसियस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर 6 टाइम्स इट्स ओन वॉल्यूम, यानी कि हाइड्रोकार्बन के वॉल्यूम से 6 टाइम्स कौन बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है सर, यानी ऑक्सीजन का वॉल्यूम है वो 6 टाइम्स है किसके, हाइड्रोकार्बन के वॉल्यूम से। जी सर, ठीक है सर। Then for complete oxidation of hydrocarbon and produces 4 times its volume of CO2 at same pressure and temperature, then formula of gas आपसे पूछा गया है सर। इसका मतलब सबसे पहले मुझे वापस से वही equation फिर से बनाना पड़ रहा है। जी सर, it means CXHY plus X plus Y4 O2 क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पर X मोल्स ऑफ CO2 गैस फॉर्म करेगा, साथ में Y/2 मोल्स ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जी सर, ये आपके लिए कंबशन का इक्वेशन ऑप्टेन हुआ है। अब मैं इसका वॉल्यूम इनिशियली क्या मान लेता हूं, V ml मान लेता हूं,
तो ये अगर VML है तो O2 कितना रिक्वायर्ड है 6 टाइम्स, तो 6 ML मान सकते हैं इसको, या 6 VML लिखेंगे अपन, 6 VML, 6 VML ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब आपको फर्दर क्वेश्चन में क्या करा है, 4 टाइम्स कौन है CO2 है, इट मींस ये 4 VML के इक्वल ऑब्टेन हुआ है यहां पर। अब मैं डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूं, तो x का जो वैल्यू होगा, मैंने अभी कहा था कि जो x की वैल्यू होगी वो CO2 की वॉल्यूम 4V अपॉन हाइड्रोकार्बन की वॉल्यूम V को डिवाइड करना होगा, आप करेंगे मतलब x की वैल्यू यहां पे 4 आ जाएगी, 4 ऑब्टेन हो जाएगा सर, जी सर बिल्कुल सही। अब मुझे फर्दर मूव करना है O2 की तरफ, तो O2 का जो वैल्यू है वॉल्यूम का वो कितना दिया हुआ है, 6V दिया हुआ है, यहां से मुझे x plus y by 4 का जो मैग्नीट्यूड है ये O2 के रिस्पेक्ट में 6V अपॉन V ऑब्टेन हो जाएगा, जी सर। तो क्या मैं V को कैंसिल कर दूंगा, तो इसके पास आपके पास x plus y by 4 की वैल्यू आ गई 6, तो आप x की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे आप, तो 4 plus y by 4 is equal to कितना हो गया 6, ठीक है। तो y by 4 is equal to कितना हो गया, आप 4 को उधर लेके आओगे तो कितना आएगा 2 रहेगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, तो y की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू आपके पास 4 आ गया, इट मींस C4H8, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हां जी सर, हाँ, ये जेंडोर मेथड का क्वेश्चन है, आपको गिवन है नाइट्रोजन के आकलन के लिए एस्टिमेशन के लिए 1.4 ग्राम ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है और डाइजेस्ट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू जेंडोर मेथड, और कितना अमोनिया इन्वॉल्व हुआ है, जो अमोनिया इन्वॉल्व हुआ है उसको 60 ml ऑफ M/10 सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब किया गया है, ठीक है। तो द अनरिएक्टेड एसिड रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ M/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड, आपसे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछ रहा है, इसका मतलब मैं सबसे पहले क्या करूं, रिएक्टेड अमाउंट निकाल लेता हूं अमोनिया के लिए कि कितना एसिड रिक्वायर्ड है यहां पे। तो क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले आप एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड कर लो, तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड कितना ऑब्टेन हुआ है 16 ml, बात करें तो बैलेंस फैक्टर बात कर ले, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड 2 हो जाएगा, बिल्कुल सर। और मोलारिटी की बात करें तो M/10 है यहां पे जी, और वॉल्यूम कितना गिवन है आपको 60 ml, इसको सॉल्व करेंगे अपन, ये क्या 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, और ये कितना हो चुका है 12 टाइम्स, इट मींस क्या 12 मिल रहा है, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए 12 ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये टोटल एसिड है। अब NaOH ने कितने इसको न्यूट्रलाइज किया होगा उसकी बात कर लेते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कितना है यहां पर, तो यहां पर भी अपन नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम कर देते हैं जी सर, तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम के लिए कितना दिया हुआ है मोलारिटी गिवन है आपको M/10 और बैलेंस फैक्टर NaOH का तो वही होगा जी सर, और वॉल्यूम कितना गिवन है 20 गिवन है, कैंसिल कर दो तो 2 टाइम्स हो जाएगा, इट मींस इसका वॉल्यूम कितना आएगा 2 आएगा, यहां से ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑब्टेन हुआ है आपको, मिली इक्विवेलेंट ऑब्टेन हुआ है 2 मिली इक्विवेलेंट्स ऑब्टेन हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो मिली इक्विवेलेंट था सर वो कितना था 12 था जी, और आपको NaOH का मिली इक्विवेलेंट कितना ऑब्टेन हुआ है 2, इसका मतलब यूज्ड कितना आ चुका है इसकी बात कर लेता हूं मैं, तो यूज्ड ग्राम इक्विवेलेंट जो है अमोनिया के साथ जो न्यूट्रलाइज होगा जी, उसकी बात करें तो 12 में से मैं 2 को माइनस कर दूं NaOH वाले को, 10 आ गया, तो 12 माइनस 2 करेंगे तो आंसर 10 मिली इक्विवेलेंट आपको यहां पर यूज में आने वाला है, ठीक है। अब आप सर यहां पर जेलडोल मेथड का फार्मूला लगा सकते हैं परसेंटेज ऑफ, तो जेलडोल मेथड के परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का क्या फार्मूला होता है बच्चों, बिल्कुल परसेंटेज n इक्वल टू क्या होता है 1.4 इनटू n इनटू VML वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जी सर बिल्कुल सर, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अप्लाई करो संडे अप्लाई सर, इसको अप्लाई करो बिल्कुल, आपको 1.4 तो ऑलरेडी फॉर्मूले में गिवन है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम मतलब हम डायरेक्ट यूज्ड ग्राम इक्विवेलेंट ऑलरेडी यूज कर चुके हैं जी सर, कितना आ चुका है 10 आ चुका है, ये पूरा n इनटू v का वैल्यू है 10 जी सर, मिली इक्विवेलेंट वैल्यू, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना गिवन था क्वेश्चन में 1.4 ग्राम डायरेक्ट डिवाइड कर दो क्या, तो डिवाइड करते ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब डायरेक्ट परसेंटेज आपको कितनी मिल जाएगी 10%, देन आंसर आंसर इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट, नेक्स्ट बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, द रेशियो ऑफ मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड CxH/OZ, आपको ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो गिवन है सर 6:1 दे रखा है, इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द अबव कंपाउंड CxH/OZ कंटेन्स हाफ, क्या कह रहा है, कंटेन्स हाफ H मच ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड, ठीक है, और टू बर्न वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड CxHy कंप्लीटली टू CO2 एंड वाटर, नाउ आपसे कह रहा है द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड CxHyOZ इज, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है आपको इस कंपाउंड के लिए, यानी कि आपसे पूछ क्या रहा है ये, तो बच्चों आपसे पूछ क्या रहा है, x की वैल्यू पता लगानी है, y की वैल्यू पता लगानी है, और साथ में आपको z की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है,
ठीक है, तो अब इसका अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला के रेस्पेक्ट में बात करूंगा। कार्बन और हाइड्रोजन, यहां पर आपको इसका रेशो तो 6 गिवन है और इसका रेशो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, इसको एटम मास से डिवाइड करेंगे तो 12 से डिवाइड करते हैं जी सर, और इसको भी डिवाइड कर दे तो हाइड्रोजन का एटम मास कितना है 1, इसको 1 से डिवाइड करेंगे, क्या ये 0.5 ऑक्टेन हो जाएगा और यहां से ये 1 ऑक्टेन हो जाएगा। तो लीस्ट नंबर से मैं वापस डिवाइड कर दूं इसको, तो 0.5 अपॉन 0.5, और इसको भी 0.5 से डिवाइड कर दूं जी सर। तो यहां से स्टूडेंट्स आपको इसका तो एटम कितना मिलेगा 1, और इसका एटम कितना मिलेगा 2 एटम्स आपको ऑप्टेन होगा। इट मींस एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CH2। बिल्कुल सर, ठीक है सर। नाउ कंबशन करेंगे इसका जी सर, तो CH2 का कंबशन अगर करें O2 की प्रेजेंस में, तो CH2 को O2 की प्रेजेंस में कंबशन कर दो और फॉर्मेशन किसका करना चाहता है, CO2 गैस का और साथ में H2 वाटर का फॉर्मेशन करना चाहता है। तो इसको स्टूडेंट्स बैलेंस कर लेते हैं जी, बैलेंस इक्वेशन ऑप्टेन करना आप लोगों को। तो बैलेंस इक्वेशन के लिए कार्बन इधर 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। तो ऑक्सीजन एटम्स की बारी आती है, तो 2 एटम्स ऑक्सीजन यहां पर है, 1 एटम ऑक्सीजन यहां पर है, 3 एटम्स है क्या, तो 3 एटम्स के लिए इधर मुझे 3/2 करना पड़ेगा क्या जी सर। इसका मतलब ऑक्सीजन कितना है 3/2 आ रहा है जी सर। ठीक है, नाउ अपन बात करते हैं सभी के लिए पर्टिकुलर एटम्स की। तो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों के एटम्स के लिए बात कर ले जी सर। तो यहां पर सबसे पहले कार्बन तो कितना ऑब्टेन हुआ था सर 1, और हाइड्रोजन कितना ऑब्टेन हुआ है 2, और ऑक्सीजन कितना रहा है 3/2 ऑब्टेन हुआ एटम के लिए। ऐसा ये तो मॉलिक्यूल था जी, मुझे एटम के लिए लिखना इसलिए हाफ हो चुका है पहले से ही। ठीक है, तो क्या 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप सबको सर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी 2 से, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऑब्टेन हो चुका है, ये कितना ऑब्टेन हुआ है 4, और ये कितना ऑब्टेन हो जाएगा 3 हो जाएगा। ना फॉर्मूला इज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, उसके बाद में हो जाएगा C2H4O3। अब देखो आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल C2H4O3। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन बीइंग हीटिंग इन ऑक्सीजन 3.120 ग्राम ऑफ ए मेटल कन्वर्ट टू 4.560 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, एटॉमिक वेट दे रखा है उस मेटल का 52, मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बच्चों आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू बिल्कुल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड, दोनों की ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगी। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या है डब्ल्यू अपॉन ई, और इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या है डब्ल्यू अपॉन ई प्लस एट, मेटल का आपने ई अज्यूम कर लिया, ऑक्सीजन का कितना होता है एट, और यहाँ पे जो वेट पुट करोगे वो किसका पुट करोगे मेटल ऑक्साइड का पुट करोगे। तो देखो इसका कितना है मेटल का 3.120, तो ये हो जाएगा 3.120 अपॉन ई, और मेटल ऑक्साइड का वेट कितना देर का आपके पास 4.560 अपॉन ई प्लस एट। तो देखो बच्चों इस इक्वेशन को सोल्व करोगे आप तो आपके पास इक्विवेलेंट वेट आएगा 17.33। तो आप देखो पीछे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना है 17.33 हो रहा है। सेकंड है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद मेटल, यानी कि आपके पास इसके ग्राम इक्विवेलेंट आपको पूछे तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएंगे मेटल के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाएंगे, और इसके जब आप ग्राम इक्विवेलेंट आप इसकी निकालोगे तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन वो आएगा आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल आप निकाल सकते हो कितना आएगा, वेट आपको कितना दे रखा है 3.120 अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना है 17.33, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी 0.18 आएगी जब आप इसको सोल्व करोगे। इट मींस सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। थर्ड मेटल एम फ्रॉम हैलाइड MX2, तो आपके पास इक्विवेलेंट वेट आ गया, एटॉमिक वेट उस मेटल का आपको कितना दे रखा है 52 दे रखा है, तो एम फैक्टर सर कैसे डिटरमाइन करते हैं, आपको रिलेशन पता होगा, तो आपको रिलेशन पता है कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो एटॉमिक मास ऑफ वैलेंस ही एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, तो आप एटॉमिक मास कितना दे रखा है 52 अपॉन इक्विवेलेंट वेट आप नीचे पुट कर लोगे कितना है 17.33, तो आपके पास उसका वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा, और वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 3 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 3 आएगा, तो वैलेंसी फैक्टर आपके पास कितना आ गया 3 ऑप्टेन हुआ, वैलेंसी फैक्टर आपके पास ऑप्टेन हो जाएगा 3। तो आपसे पहले क्वेश्चन पूछा हैलाइड कौन सा होगा, तो मेटल पे चार्ज वैलेंसी कितनी है 3, हैलाइड पे क्या आएगा -1, तो फॉर्मूला क्या होगा MX3।
बिल्कुल, ये तो एलाइड का आ गया। अगर आपसे पूछे ऑक्साइड का क्या होगा, तो ऑक्साइड पे चार्ज कितना होता है, माइनस टू, तो एम पे प्लस थ्री और ऑक्साइड पे क्या आ गया, माइनस टू। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम टू ओ थ्री। अब देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। तो देखो मेटल एम फॉर्म हैलाइड एम एक्स टू, ये तो क्या हो गया गलत। For the simplest formula of the metal oxide which form M2O3, correct it means fourth is correct. तो इसमें कौन-कौन से correct option होंगे, first and fourth. बिल्कुल. Next question. हाँ, तो question number 11. Solution containing 23 gram formic acid. यानी कि ऐसे कौन सी solution है जिसके अंदर 23 gram formic acid है? तो आपने को हर एक option check करना पड़ेगा। प्रत्येक option. इसमें हर एक concept clear हो रहा है बच्चों, आप इसको देखोगे कि आपको हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो पहला है 46 ग्राम ऑफ 70% WYB फॉर्मिक एसिड जिसकी डेंसिटी आपको दे रही है। तो WYB का मीनिंग क्या होता है, 70% WYB का मतलब यानी 100 ml जो सॉल्यूशन है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड कितना है सर, 70 ग्राम। बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास वॉल्यूम कितना दे दिया 100 ml, डेंसिटी कितनी है आपके पास 1.40, तो आप मास निकाल सकते हो। मास बराबर क्या होगा, डी इंटू वी एम एल। तो आपके पास मास कितना है, डेंसिटी 1.40 है, वॉल्यूम कितना है 100 है, इट मींस मास कितना आ गया आपके पास 140 ग्राम। आप ऐसे बोल सकते हो 140 ग्राम में फॉर्मिक एसिड कितना है, 70 ग्राम। यानी कि 140 ग्राम के अंदर जो फॉर्मिक एसिड है वो कितना है, 70 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, 70/140 कर देंगे, 70/140। और आपको किस में पूछा है, 46 ग्राम के अंदर पूछे, तो 46 ग्राम के अंदर कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 70/140 × 46। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 23 ग्राम आपको मिला, 23 ग्राम। देखो पहले ऑप्शन में क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, एक तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन अपन देखते हैं, तो सेकंड ऑप्शन में क्या होगा, 50 ग्राम ऑफ 10 एम ये फॉर्मिक एसिड दे रखा है, तो आपको डेंसिटी दे रही है, डेंसिटी 1 है, इट मींस डी क्या होता है, m/v, और डेंसिटी 1 दे रही है, तो मास किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, क्यों सर, राइट, बिल्कुल सर। तो आपको मोलरिटी दे रही है और 15 ग्राम दे रही है, तो इसको मैं क्या मान सकता हूं, वॉल्यूम मान सकता हूं, तो वी नो दैट मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोलरिटी आपके पास कितनी है, 10 इक्वल टू n, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डेंसिटी 1 था इसलिए अपन ने इसको मास को क्या मान लिया है, वॉल्यूम मान लिया है, बिल्कुल। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 50 ml आ जाएगा, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, लीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 20, बिल्कुल। तो n इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 10/20 कर दे, यानी कि 1/2 आ गया, 1/2 आ जाएगा, 1/2 मोल किसके आ गया आपके पास, फॉर्मिक एसिड के मोल आ चुके, मोल आ गए, तो इसका मास निकाल सकते हो आप, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दे, डायरेक्ट आप मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर, तो 1/2 × 46 कितना आ गया, 23 ग्राम। इट मींस ये भी करेक्ट हुआ, इट मींस फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन क्या हो गए, करेक्ट। ऐसे बच्चों आप इसमें चेक कर सकते हो, WYB सेम कांसेप्ट लगेगा, इसमें इसमें सेम ही कांसेप्ट लग रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट आएंगे, बाकी ये गलत आएंगे, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट, हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 है, क्या है, ए सैंपल ऑफ H2O2 सॉल्यूशन लेबल S28 वॉल्यूम हैज डेंसिटी आपको दे रखी है 265, तो इसको आप ग्राम पर ml में चेंज कर लो, तो 1000 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो 265, ये आपके पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी, और किस में आएगी, ग्राम पर ml में आ जाएगी। ठीक है, मार्क द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सेम सॉल्यूशन इन अदर यूनिट। तो देखो H2O2 के रिस्पेक्ट में मोलरिटी जब आप फाइंड आउट करते हो, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसकी, H2O2 की, अपॉन 11.2। ठीक है, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी देर की आपको, 28/11.2, जब इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास मोलरिटी कितनी आएगी, 2.5 मोल पर लीटर आपके पास क्या होगी, ऑप्टेन हो, 2.5 मोल पर लीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, आपको निकालना है मोलेलिटी, तो वी नो दैट मोलेलिटी, मोलेलिटी एंड डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, मोलेलिटी इक्वल टू होता है 1000 m/1000 d माइनस m m a, ये रिलेशन सबको याद होगा बच्चों, m यहां पे क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट यहां पे क्या है, H2O2 है, और H2O2 का मोलर मास कितना होता है, 34 ग्राम पर मोल, तो मोलेलिटी इक्वल टू हो जाएगा 1000 × 2.5/1000, डेंसिटी ग्राम पर ml में पुट करनी है, तो ये आ जाएगा 0.265 माइनस m कितना दे रखा है,
2.5 और Ma कितना है 34 हो जाएगा बिल्कुल। जब बच्चों इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वोलेटिलिटी आएगी 13.88, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई वोलेटिलिटी, इट मींस फोर्थ ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर मोल फ्रैक्शन, तो बच्चों आप जानते हो कि मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन होता है मोलेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है 1000 XA अपॉन 1 माइनस का XA इनटू MB। यहां पे आएगा MB, B का मतलब क्या है लेना आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पे सॉल्वेंट क्या है वाटर है, वाटर तो 18 हो जाएगा, तो मोलेलिटी आप कितने पुट करोगे यहां पे 13.88 इज इक्वल टू 1000 XA अपॉन 1 माइनस का XA इनटू 18 पुट करोगे 18 पुट करोगे, तो यहां से आपके पास सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आएगा, इट मींस H2O2 का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा जो कितना आएगा 0.2 आएगा, इट मींस फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो गया और फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गया और थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ऐसे आप W by V भी निकाल सकते हो, W by V कैसे निकालोगे, क्योंकि आपके पास मोलरिटी कितनी दे रखी है 2.5 M दे रखी है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 2.5 मोल किसके फॉर्मिक एसिड की किसमें प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो W by V परसेंट आप कैसे निकालोगे, W by V परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है 2.5 इनटू फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना 46 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 1 लीटर का आप किस में कन्वर्ट करो ml में, तो 1000 ml इनटू कितना आएगा 100, तो इसको भी आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपके पास अलग आएगी, तो इट मींस कौन सा ऑप्शन सही है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कॉलम को मैच करवाना है, इधर तो आपको क्या दे रखे नंबर और इधर आपको कितनी दे रखे सिग्निफिकेंट फिगर, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो उसमें आप देखो जिन डिजिट्स को आप क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर चेक करो तो कितना है 2, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4, तो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है वो आपके आंसर में आएगा, तो मिनिमम कितना है 2, तो यहाँ पे सी ऑप्शन में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फी का सी सही हो जाएगा। इनको आप क्या करोगे ऐड करोगे तो 9.439 में आप ऐड करोगे 0.5 ऐड कर देंगे तो 9.00.10, तो पॉइंट के बाद में देखो इसमें कितने डिजिट है 3, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 2, तो आपके आंसर में पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आएंगे, तो आप इसको क्या करोगे राउंड ऑफ करोगे, तो लास्ट डिजिट क्या है 9, जो 5 से ग्रेटर देन, तो उससे पहले वाले डिजिट को आप क्या कर दोगे 1 से इंक्रीज कर दोगे, 1 ऐड कर दो 10.0 फिगर कितने हो गए 4 हो जाएगा, तो Q का कितना हो जाएगा D, D पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.4 जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, और इसके अंदर हमेशा क्या होता है इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होता है, लास्ट वाले को आप ऐड कर सकते हो जो कांसेप्ट होता है जो ऐड करने वाला ये कांसेप्ट है वो इसके अंदर आएगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने है 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.84 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, दोनों का मिक्सर का जो मास है वो 1.84 वाज हीटेड टू ए कांस्टेंट वेट, द कांस्टेंट वेट ऑफ द रेजिड्यू वाज फाउंड टू बी 0.96, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट इन दोनों का जो मास है वो कितना दे रहा है मिक्सर का 1.84 ग्राम दे रखा है, तो एक का मैं क्या मान लेता हूं x ग्राम मान लेता हूं, तो इसका मैंने क्या मान लिया x ग्राम मान लिया, और इसका कितना मान लूंगा 1.84 माइनस का x, इन दोनों को मैं हीट करूंगा और है, तो देखो क्या आएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस MgCO3 से MgO प्लस CaO, ये तो आपके पास क्या जाएगा इसका अवशेष हो जाएगा, प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी CO2 गैस रिलीज होगी, और जो क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये 0.96 ग्राम दे रखा है, किसका इसका वेट दे रखा है 0.96 अवशेष का, अवशेष का दे रखा है, तो इसका मास कितना होगा, इसका मास होगा इसमें से माइनस कर दो, तो 1.84 में से 0.96 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.44 ग्राम, तो मैं किसके मोल निकाल लूं CO2 के मोल निकाल लूं, तो CO2 का मोल कितना आएगा आपके पास 0.44 अपॉन 44, क्योंकि इसका मोलर मास कितना होता 44, तो इसके मोल आएंगे 0.01, जितने मोल इसके उतने मोल किसके आएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, तो इसके कितने मोल आए 0.01 मोल आए, तो इसका मास कितना आएगा, तो आप क्या करोगे बच्चों इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई, CaCO3 का जो मास है तो वो मोल को उसके मोलर मास से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1 ग्राम आएगा, बिल्कुल इट मींस इसका कितना है 1 ग्राम है,
इसका कितना आएगा 0.84 ग्राम। बिल्कुल, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज कंपोजिशन पूछा, तो परसेंटेज CaCO3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइड कर देंगे 1/0.84 इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आएगा, इसको सोल्व कर सकते हो आप जो भी इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं बच्चों। 29.2% वेट बाय वेट गिवन, इस बार मास परसेंटेज दिया हुआ है, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 29.2 ग्राम HCl है, जिसका डेंसिटी आपको गिवन है 1.25 ग्राम पर ml। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl आपको गिवन है, वैसे देता भी नहीं तो भी बात चल जाती, 36.5 है ग्राम पर मोल में। द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए 200 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.4 m HCl पूछा हुआ है आपसे। जी सर, तो इनिशियली मैं यहां पर मोलैरिटी फाइंड कर लेता हूं इनिशियल वाली, तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला होगा परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl। यहां पर परसेंटेज मुझे कितना दे रखा है 29.2 की बने, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.25 इनटू 10 मॉलिक्यूलर वेट गिवन है आपको 36.5। ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो बच्चों इसकी मोलैरिटी आएगी 10 है। बिल्कुल, ठीक है। अब देखो डाइल्यूशन का केस है, तो आप लिख सकते हो m1v1 = m2v2 अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, m1 आ गया कितना 10 * v1, m2 क्या आएगा 0.4 और वॉल्यूम कितना दे रखा है 200, तो 0.4 * 200 यहां से वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा v1, तो यहां से वॉल्यूम आपके पास, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 80 आएगी, और तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो v1 आपके पास कितना आएगा 8 ml आ जाएगा। बिल्कुल सर, तो इट मींस इसका जो वॉल्यूम स्टोक सॉल्यूशन की ml में अमाउंट कितनी होगी 8 ml। आंसर हो जाएगा। ठीक जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज 0.1 एट 298 केल्विन, मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज द सेम एज इट्स मोलैरिटी, कह रहा है। इट मींस सर मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है n / v, ये वॉल्यूम हो जाएगा सॉल्यूशन का, और मोलैरिटी क्या होती है n / w मास ऑफ सॉल्वेंट। इट मींस मैं बोल सकता हूं मोलैरिटी और मोलैरिटी इक्वल है, इट मींस v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा wb हो जाएगा। बिल्कुल, यानी सॉल्यूशन का जो मास है वो सॉल्वेंट के जो मास के इक्वल होगा। अब देखो मोल फ्रैक्शन दे रखी है किसकी आपको, सॉल्यूट की दे रखी है, तो मोल फ्रैक्शन x है कितना दे रखा है आपको 0.1 दे रखा है, तो x भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, x भी क्या हो जाएगा, दोनों कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 0.9। इन दोनों को डिवाइड कर लो, x / x भी कितना आ जाएगा आपके पास n / n भी इक्वल होता है, यानी 1/9 के इक्वल हो गया। बिल्कुल हो चुका है, तो मैं क्या करूंगा, x ही क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, उसको लिख सकता हूं wa / ma। बिल्कुल, और x b को क्या लिख सकता हूं wb / mb कर देंगे, mb। बिल्कुल ठीक है, मास तो सेम ही दिया हुआ है, और ये किसके इक्वल हो गया 1/9 के इक्वल हो गया। बिल्कुल ठीक है, अब आपको क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, ma / mb का रेशियो पूछा है, तो वी नो दैट wa + wb यानी सॉल्यूट का जो मास है प्लस सॉल्वेंट का मास है वो किसके इक्वल होगा, सॉल्यूशन के मास के इक्वल हो रहा है, और सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम कितना दे रखा है, डेंसिटी इसकी कितनी दे रखी है अपन क्वेश्चन में देखते हैं, इसकी डेंसिटी दे रखी है 2, तो वॉल्यूम हो गया 2 * इसका जो मास है 2 * डेंसिटी 2 * वॉल्यूम, वॉल्यूम आपके पास किसके इक्वल हो गया wb के इक्वल हो गया। ठीक है, तो va + wa इक्वल टू क्या हो जाएगा 2wb - wb, इट मींस wa / wb हो जाएगा, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं mb / ma का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा 1/9 के इक्वल होगा, तो ma / mb ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो अपोजिट कर देंगे 9 रेशियो बन जाएगा, 9 रेशियो बन जाएगा, इट मींस इंटीजर टाइप का क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या आएगा 9 आएगा। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 सर। हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन की बात कर रहा है, 900 ग्राम ऑफ वाटर इज 0.05, इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द मोलैरिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन आपसे पूछा हुआ है। जी सर, स्टूडेंट्स मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले यहां पर अगर मोल्स ऑफ यूरिया पता लग जाए, इनिशियली मोल्स ऑफ यूरिया की बात करें, तो मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है यूरिया का, यानी कि सॉल्यूट कौन है, यूरिया है, तो x a का जो मैग्नीट्यूड गिवन है वो कितना गिवन है 0.05
0.05 ये आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है। अगर मैं मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले से बात करूं तो XA का मैग्नीट्यूड होगा Na अपॉन Na प्लस Nb जी सर, ठीक है। अब XA आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.05 और Na मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, और Nb अपन कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि वाटर का अमाउंट गिवन है आपको 900 ग्राम और 900 ग्राम को अगर मैं 18 से डिवाइड कर दूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर से डिवाइड कर देता हूं तो यहां से मुझको मोल्स ऑफ वाटर मिल जाएगा 15 मोल आएंगे इसकी 50 मोल आ रहा है जी सर, ठीक है। यहां से अगर सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आपको 2.63 ऑप्टेन होगा, ये मैंने कैलकुलेट किया अभी जी। तो पॉइंट आपके कहने का मतलब यूरिया का आपके पास जो मोल है एन यूरिया इट मींस मोल ऑफ यूरिया कितना आ गया 2.63 ग्राम आ गया, और तो इसका मैं मास भी निकाल सकता हूं बिल्कुल। तो मास यूरिया का क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 60 तो ये अराउंड 158 के अराउंड आएगा बिल्कुल। तो ये आपके पास यूरिया का मास आ गया, और सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा वाटर का 900 दे रखा है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन ऐड कर देंगे दोनों को तो आप 900 प्लस 158 में आप ऐड करोगे तो ये आएगा 105 ग्राम, ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम अपॉन वी, तो वी इक्वल टू क्या हो गया मास आपने निकाल लिया कितना है 105 अपॉन इसकी डेंसिटी कितनी है 1.2, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आएगा वॉल्यूम आएगा किसमें ml के अंदर। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है मोल फ्रैक्शन दे रखा है आपको मोलरिटी डिफाइन करना है, यूरिया वॉल्यूम आ चुका है तो मोलरिटी डायरेक्ट फार्मूला लगा दे, मोल कितना है आपके पास यूरिया का 2.63 बिल्कुल अपॉन वॉल्यूम आ चुका है 1.058 ये ऊपर चला जाएगा तो 1.2 और ml को आप लीटर में कन्वर्ट कर दे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे आप मल्टीप्लाई कर दो बिल्कुल, तो इसके पास मोलरिटी आ जाएगी, मोलरिटी आएगी आपके पास 3m ठीक है, आंसर वाज 3m जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जी सर, 18th क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन ग्राम इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ रोमिक सल्फर बाय कंसंट्रेट HNO3 टू ए कंपाउंड विद द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर। तो यहां पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, यहां पर आपको केवल इक्वेशन को बैलेंस करना है, यानी कि सल्फर का जो इक्वेशन है सल्फर रोमिक सल्फर है S8 मॉलिक्यूल होगा और इस S8 मॉलिक्यूल को मैं कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्ट करूंगा, HNO3 से रिएक्ट करेगा तो H2SO4 बनेगा जिसमें सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट होगा कितना +6, साथ में NO2 गैस का फॉर्मेशन करेगा ये, और साथ में क्या बनेगा वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है कि यहां पर 8 सल्फर है तो यहां पर मैं 8 H2SO4 ले लो सल्फर हो जाएगा, यहां पर मुझे हाइड्रोजन चेक करना है और नाइट्रोजन चेक करना है, तो इसका इसको सर इस तरीके से डायरेक्ट बैलेंस कर लेते हैं जी सर, 48 मॉलिक्यूल होगा, ये याद रखने वाला इक्वेशन है ज्यादातर, नहीं तो टाइम कंज्यूम होता है, 48 नाइट्रोजन यहां पर है तो यहां पर भी कितना हो जाएगा 48 और वाटर का मॉलिक्यूल कितना दिख रहा है 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इट मींस वाटर का फॉर्मेशन कितना होगा मोल ऑफ वाटर 16 है, वाटर आपके पास कितना आएगा 16, इसको आप बैलेंस करके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास आपसे पूछा है, तो मास के लिए आप क्या करोगे 16 × इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 तो इसका कितना आएगा 288 ग्राम है, इन 288 ग्राम जो है वो किसका फॉर्मेशन होगा वाटर का फॉर्मेशन होगा वाटर का फॉर्मेशन बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ठीक है, द वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर Containing NO2 and N2O4 is 38.3 at 27 degree Celsius. Calculate the moles of NO2 in 100 gram of mixture कह रहा है, ठीक है सर, एक सेकेंड, यहाँ पर स्टूडेंट अपन देखते हैं कि आपको मिक्सचर का वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, तो मॉलिकुलर वेट फाइंड करेंगे, मॉलिकुलर वेट 2 × वेपर डेंसिटी के इक्वल होगा, यहाँ से 2 × वेपर डेंसिटी दे रखा है 38.3, तो मिक्सचर का जो मॉलिकुलर वेट है वो कितना 76.6 आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल मिक्सचर का मास कितना सर 100 ग्राम दे रखा है, तो सपोज करो मैं NO2 को कितना अज्यूम कर लूं x ग्राम अज्यूम कर लेता हूं जी सर, तो ये x ग्राम है तो N2O4 कितना हो गया होगा 100 - x। अब मुझे इसमें कुछ नहीं करना, दोनों के मोल्स इक्वल कर दो, मिक्सचर के मोल्स को इक्वल कर दो टोटल मिक्सचर के जी सर, ठीक है। यहां पर x तो हो गया NO2 के लिए मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट NO2 का 46 प्लस इस N2O4 का मास कितना है 100 - x और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 92 व्हिच इज इक्वल टू द मास ऑफ मिक्सचर कितना है 100 अपॉन डिवाइड कर दो क्या 76 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर से 76 से यहां से मैं x फाइंड कर लूंगा तो बेटो यहां से आप x फाइंड आउट करोगे तो ये 21 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल
तो ये x आपने किसको अज्यूम किया था, आपने NO2 को, NO2 को, यानी NO2 का जो मास है 21 ग्राम आ चुका है। आपसे क्या पूछा, उसके मोल पूछे, तो मोल इक्वल टू आप क्या लिखोगे, मास अपॉन उसका मोलर मास 21 अपॉन 46 कर दो तो ये आएगा एप्रोक्सीमेट 0.43 मोल के अराउंड आएगा। बिल्कुल 0.43 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू बच्चों, आज इतना काफी, बाकी अपन नेक्स्ट गुरु नीति के अंदर करते हैं। थैंक यू सो मच।